फ्रेंड्स, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द परफेक्ट पैलेट बाय गरिमा में। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न पालक। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब धुली हुई पालक, 1 कप मैंने लिया है कॉर्न, 1 मैंने लिया हुआ है अनियन, 1 मैंने लिया हुआ है टमाटर और 1 इंच के करीब मैंने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है और 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियां ली हुई हैं और मैंने 1/2 कप के करीब काजू का पेस्ट लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और साइड में मैंने पानी भी बॉईल करने के लिए रख लिया है। हमारा पानी बॉईल होने लगा है, अब हम इसमें अपनी पालक डालेंगे। इसे हम करीब 5 से 6 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में रखेंगे और उसके बाद हम इसको तुरंत निकाल के एकदम चिल वाटर में डालेंगे ताकि इसका जो हरापन है वो बना रहे और हम इसको ढक के नहीं पकाएंगे, खोल के ही हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे। हमारी पालक अब हो गई है, इसको हम एकदम चिल वाटर में निकालते हैं। हमने सारी की सारी पालक अपना निकाल ली है और एकदम चिल वाटर में डाल दी है। ऐसा हमने इसलिए किया है कि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो इसमें जो कालापन है वो नहीं आएगा, हमारा जो कलर है वो ग्रीन ही रहेगा और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और साथ में हम ये जो हमारी प्याज है, अदरक और लहसुन है उसका भी हम अलग से एक पेस्ट बना लेंगे। लीजिए, हमने पालक का पेस्ट एकदम रेडी कर लिया है और एक तरफ मैंने अदरक लहसुन और प्याज को भी पेस्ट बना लिया है और एक तरफ मैंने टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लिया है। और तड़के के लिए मैंने लिया है 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 1 पिंच के करीब मैंने हींग ली है। नमक मैंने स्वाद अनुसार लिया है, लाल मिर्च मैंने स्वाद अनुसार ली है और 1/2 चम्मच करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी लिया हुआ है। तो अब हम अपनी कढ़ाई चढ़ाते हैं और उसमें लगभग 1 चम्मच हम तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल यूज़ करूँगी मैं, और 1 चम्मच हम करीब घी डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हम इसमें तेल डाल देते हैं। आप चाहें तो सिर्फ तेल में ही बना सकते हैं या सिर्फ घी में ही बना सकते हैं। अब हम इसमें अपना तड़का डालते हैं। अब ये प्याज तेल डालते हैं और जब तक प्याज का कच्चापन ना चला जाए इसको हमको पकाना है, तो थोड़ी देर हम इसको ढक के पका लेते हैं। अब इसमें हम अपना टमाटर का पेस्ट भी डालेंगे। आप चाहें तो चॉप्ड अनियन और चॉप्ड टोमेटो यूज़ कर सकते हैं। कुछ देर के लिए इसे हम कवर करके पकाते हैं। अब इसमें हम अपने जो पाउडर वाले मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब डालेंगे और आप चाहें तो इसमें 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारे मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाते हैं।
बीच में हम एक दो बार इसे चेक करके चला लेंगे। अब हम देखते हैं हमारी सब्जी। इस स्टेज में हम इसमें अपने कॉर्न डाल देंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब देखते हैं हम हमारी सब्जी कैसी हुई है। वेरी गुड। अब हम इस स्टेज में हमारा पालक का पेस्ट डालेंगे, है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन सी। अब इसे कुछ देर के लिए हम कवर करके पकाएंगे। हम इसको देखते हैं, हमने 5 से 6 मिनट के करीब हमारी पालक को ढक के पकाया। अब इसमें हम हमारा काजू का पेस्ट डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप घर की मलाई या फ्रेश क्रीम जो मार्केट में मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट फिर से कवर करके पका देते हैं। बस तैयार है हमारी सब्जी। अब हम चेक करते हैं हमारी सब्जी कैसी है। लीजिए, अब हमारी सब्जी एकदम रेडी है। इसे अब हम सर्व करेंगे और उसके बाद लहसुन और खड़ी लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। ये लीजिए, एकदम तैयार है। बस इसमें अब हम तड़का लगाएंगे। अब हम अपना लहसुनी पालक कॉर्न का तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में घी ले लिया है। अब इसमें हम अपनी खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे और हमारी कटी हुई लहसुन डाल देंगे और बीच बीच में अपना इसको चलाते रहेंगे। हमको लहसुन को जलाना नहीं है, बस इसका थोड़ा सा ये कच्चापन जो है ना वो निकाल देना है। ये लीजिए, हमारा तड़का एकदम तैयार है। ये लीजिए, हमारी लहसुनी कॉर्न पालक एकदम रेडी है। इसे आप अपने घर में बनाइए और कैसी बनी ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।